सो वेलकम बैक मैन अमारमी। आज का ये सीन है, जैसा आप देख सकते हो भाई, अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है और टाइम ऑलमोस्ट यार 2 बज गए होंगे। तो आज मैं बाहर इसलिए निकला हूँ घर से क्योंकि यार मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना था अपनी ग्रे हुरिकेन के अंदर। अभी अधीश भैया और जतिन का वेट कर रहा हूँ, वो लोग वहाँ से वापस आएंगे। ये हमने लगा रखा है भाई Insta360, जो कि ऑन कर देते हैं। पहले तो आपको दिखाते हैं इसके अंदर सेटिंग क्या है कि 360 ऑन तो है बट ना वीडियो वाले मोड पे ऑन नहीं है। ये अब आ गया भाई वीडियो वाले मोड पे। अब देखो इसका भी रिकॉर्ड करना ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको दूसरे साइड का भी एंगल दिखता रहे और बढ़िया मज़ा आए। मेरे को ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ साथ में लाना चाहिए था। ये लोग कहाँ रह गए भाई? एंड भाई ये देख रहे हो, ये भाई खुशी का निशान है, पेट्रोल देख रहे हो पूरा ऑलमोस्ट भर रखा है। एंड दूसरी चीज़ ये, तो आज जो प्रोडक्ट आया ना वो है हमारे पास प्रोजेक्ट मोटोराड की तरफ से, जो हमारे व्हील के अंदर लगने वाला है। थोड़ा साफ ऑफ करेंगे व्हील को एंड आराम से अलॉय के बीच में फिक्स कर देंगे। बेसिकली है क्या ना, वो ना एक कवर टाइप का है, व्हील कवर टाइप है, बहुत ही बढ़िया लगता है। जो बाइक होती है ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है पीछे से, तो पता नहीं कहाँ रह गए भाई। इनका वेट कर रहा हूँ मैं तब से। हमारा प्लान ये था कि मैकेनिक के पास जाएंगे, इसको लगा कि हम व्हीली वाली लोकेशन पे जाएंगे, ये लोग वहाँ पहुँच गए। अधीश भैया और ये जो मेरा एग्जॉस्ट है उसकी ना पाइप थोड़ी लूज थी, वो भी मैंने टाइट करवा ली थी आज सुबह सुबह, एंड चेन भी टाइट करवा ली थी। बट एक चीज़ है कि भाई ये जो मिरर है ना इतने ज़्यादा वाइड मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखे। जो कंपनी है ना वो है राइड इंडिया राइड, ये प्रोवाइड करती है। मौसम हो रहा बहुत बढ़िया आज, हवा तगड़ी चलने लग गई अब, और वो भी ठंडी हवा भाई। एक चीज़ आई है वो लगानी है, आ रहा है दोस्त लेके आ रहा है। टायर के ऊपर एक व्हील कवर होता है। बाइक अपनी यहाँ पे लगा ली है। हेलो, अरे डर क्यों रहा है भाई? एंड आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ भाई, ये जो है ना पिछली राइड में देखो भाई क्या कांड हो गया। भाई ये वाला जो फ्रेम था ना, ये ना इसके साथ टकरा गया और टूट गए। तो गाइस ये चीज़ है जो प्रोजेक्ट मोटोराड की तरफ से आई है। डिज़ाइनर ऑटोमेटिव एक्सेसरीज बेचते हैं ये लोग। एंड ये रियर व्हील कवर का है एंड बढ़िया से लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे। सिनेमैटिक्स वगैरह बनाएंगे इस चीज़ के, वो भी आपको दिख जाएंगे बढ़िया से। एंड इनका इंस्टाग्राम है भाई @projectmotorad, बढ़िया। तो वेट करते कब भैया फ्री हो जाएंगे, फिर अपना काम होगा शुरू। ये चीज़ है भाई, ओ इसका ये भी निकल रहा, ये है भैया। सीन ये हुआ कि ना मेरे को कॉल आया था हमारे डिलीवरी एजेंट का, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट आ रखा है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आया भाई हमारे पास LRL मोटर्स की तरफ से। आगे वाली ब्रेक्स के लिए सिरेमिक ब्रेक पैड चाहिए, तो एक बार वो लग जाएंगे ना बढ़िया से, आपको साथ साथ प्रोसीजर भी दिखाएंगे कैसे लगाना है। आज से स्टंट मारना है, खाली रोड पर स्टंट मारेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तू क्या कहना चाह रहा है? बाइक बनेगी जहर, डाएंगे कहर। अपने साथ के भी तो इतने खतरनाक लौंडे हैं भाई, ये देख रहे हो भाई कितने लंबे लंबे कील हैं। तो सिरेमिक ब्रेक पैड हैं ये परफॉर्मेंस वाले, बढ़िया लग रहे हैं यार। इसके पीछे कुछ स्टिकर विकर भी आ रखा है। ओ नाइस, 66 BHP का स्टिकर, ये लगाते हैं भाई अपनी बाइक के ऊपर। 66 BHP वैसे है नहीं, 44 के करीब ही है। वही तो लगा रहा हूँ भाई। बाइक जो है फाइनली लग चुकी है यहाँ पे। एंड अभी जो होगा ये व्हील कवर जो होगा वो यहाँ पे पीछे लगाएंगे, बहुत बढ़िया लगने वाला है यार। मतलब ना मैंने एक टाइम पे सोचा था कि यार ऐसा अगर कोई पार्ट होगा हम लगा सकते हैं। अब फाइनली प्रोजेक्ट मोटोराड जो है ये वाला पार्ट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, तो बढ़िया से अब लगाएंगे, देखेंगे कि लुक कैसा आता है। एंड जब रैप आ जाएगा ना तो यहाँ पे एक बढ़िया से या तो मैं ग्रे हुरिकेन कुछ ऐसा लिखा दूंगा, या तो डिज़ाइन करा दूंगा कुछ वैसा करके, कुछ ना कुछ हम लिखवा देंगे, या तो वेनम करके कुछ लिखा देंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा। इसको हम बंद करते हैं यहाँ से। एंड आगे का लुक ना, मेरे को एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो ये वाला ना थोड़ा सा इसका जो रैप है थोड़ा सा फटने लग गया है। यहाँ का चलो ठीक है, यहाँ का थोड़ा फटने लग गया है, मैं कुछ चेंजेस कराने का सोच रहा हूँ इसके अंदर, तो वो भी आपको आगे की वीडियोस में पता चल जाएगा। एक बार ही फुली मॉड हो जाए ना अपनी बाइक, उसके बाद भाई शायद से मैं अपग्रेड करने का सोचूंगा। भाई अपग्रेड करने का मेरा प्लान तो है, बट देखते हैं क्या सीन रहता है, थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करेंगे, उसके बाद परचेज करेंगे एक और बाइक। एंड इसका क्या होगा वो आपको बाद में बताऊंगा। भाई कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि इस बाइक के साथ हम क्या करेंगे, सेल करें कि नहीं करें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। मन तो नहीं है, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या करना चाहिए भाई। हाँ ये सबसे खास चीज़ है हमारे भाई की, NS200 के पीछे ना वायर लॉक नहीं हेलमेट लॉक लगा रखा है। जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। बढ़िया लग रहे वैसे। इसमें 3 नट लगेंगे, 1, 2, 3 और बाकी 1, 2, 3, 4 जिप टाई लगेंगी।
तुम्हारी नंबर प्लेट डबल है, वो आधी किलो की नंबर प्लेट है ये 50। हाँ भाई ये थोड़ी हल्की है, ये भी तो देखो। तो गाइस आपको मैं आज ये भी दिखाने वाला हूँ कि लगता कैसे है। अगर आप घर पे भी लगाना चाहो ना तो आप ऐसे लगा सकते हो। अच्छा ऐसे घुसेगा भाई अंदर, ये बढ़िया लग रहा है ना, पकड़ के रखूँगी इधर से। नईम, तो भाई नईम भी हमारी बाइक में काम कर रहे हैं, एंड भाई पहले भी इन्होंने ना बहुत बार हमारी बाइक में काम किया है। इस बार देखते हैं भाई कितना हम रेटिंग देते हैं, 10 में से 10 या 10 में से 11। तो बहुत ही लंबे नट आपको मिल जाएंगे। ओ भाई अभी किस्सा खत्म हो जाता हमारा, अभी शुक्र है मैंने हेलमेट पहन रखी है। अच्छा तो दोनों साइड पे हमारे ये वाले नट लगेंगे और एक बत्ती लगती है बीच में ताकि ना प्रॉपरली टाइट हो जाए, और जिप टाइज भी लगेंगे हमारे, टोटल 3 या 4 जिप टाइज लगेंगे ताकि ना वो पूरा अटैच हो जाए इसके साथ और हिले भी ना गलती से। तो भाई 2 नट यहाँ पे लग चुके हैं, तीसरा वाला नट यहाँ पे लग रहा है, और अब आपको बाकी चीज़ दिखाता हूँ। ये बच गई जिप टाइज, जिप टाइज के ऊपर से रबर निकालते हैं। मैं देखो अपनी बाइक में ना पूरा काम तो हो चुका है, आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है भाई। अब देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, अभी आगे जाएंगे और सिनेमैटिक्स बनाएंगे इसके। लोगों को डरा रहे भाई अपनी 390 से। हम नहीं नहीं देखो तो सारे स्प्लेंडर थोड़ी है, लाइट क्यों लगाऊंगा इसमें। तो गाइस बाइक जो है वो वॉश हो गई है, एक बार आपको थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ ओवरव्यू इसका, आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। अभी आगे जाके ना सिनेमैटिक शूट्स करने, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, बट उससे पहले भाई हमें घर पे जाना है क्योंकि हमारा जो DSLR है वो घर पे पड़ा हुआ है। तो फाइनली गाइस हम लोग एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे अपना जतिन भाई शूट करेंगे हम बढ़िया से, जो हमने भाई ये लगाया ना देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, भाई कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब ना एक अल्टीमेट लेवल लग रहा है ये जो लग गया ना। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग गई है बाइक। अब आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ना जो ये वाले नट है ना आपको ज़्यादा टाइट नहीं करने, हल्का सा उसको लूज छोड़ देना, क्योंकि ज़्यादा टाइट करोगे तो ढंग से ना फिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने ना जिप टाइज वगैरह भी लगा दिए बढ़िया से, और एग्जॉस्ट का आपको बताता हूँ भाई, एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी हो गई है, जितने सारे गैप्स हैं ना हम लोगों ने बंद कर दिया। अब आपको आवाज़ सुनाता हूँ उसकी, क्रैकल साउंड सुन रहे हो भाई कितनी अल्टीमेट है। आवाज़ कैसी लगी? भाई आवाज़ बहुत बढ़िया हो गई है पहले से, इसमें वहाँ से भी कितना प्यारा लग रहा है। चल सिनेमैटिक्स बनाते हैं पहले जल्दी जल्दी, क्योंकि सनसेट का टाइम लग गया है, वो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को सिनेमैटिक्स दिखेंगे नहीं, ना ही इंस्टाग्राम पे और ना ही यूट्यूब पे। ये है भाई प्रोजेक्ट मोटोराड। तो ये वाला एरिया ना थोड़ा सा सुनसान एरिया है और खाली एरिया रहता है, यहाँ पर हम लोग शूट करते हैं बढ़िया से। दूर से अगर कोई बाइक देखेगा ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, एंड इसके ऊपर ना एक मैं छोटी सी मोड क्या कराने वाला हूँ, या तो मैं शायद से आगे वाले के लिए भी व्हील कवर मंगा लूँगा, एंड दूसरा कि इसके ऊपर ना कुछ लिखवा दूंगा मैं, ग्रे हुरिकेन करके कुछ लिखा दूंगा या डिज़ाइन कुछ बनवा दूंगा। क्योंकि अब सीन क्या है कि हमारा ना रैप तो आने वाला है, A4 ऑटोमोटिव की तरफ से रैप्स वगैरह हमारे पास आने वाले हैं, मतलब जो हमने कस्टम रैप बनवाया था, एक बार वो लग जाएगा ना तो उसके बाद हम बढ़िया से एक इसके ऊपर ना एक डिज़ाइनिंग करवा देंगे, रेड स्ट्राइप में कुछ करा देंगे या कुछ ना कुछ करा देंगे, बढ़िया लगेगा। जिसमें ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है मॉडिफिकेशन, अगर नहीं पसंद आया तो भी बता दो, पसंद आया तो भी बता दो। एंड जब से मैंने ब्रेक पैड चेंज किए हैं वो भी सिरामिक वाले, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रही ब्रेक में, क्योंकि जो पुराने वाले थे वो तो भाई ख़त्म हो गए थे सारे। ये वाले भाई साहब कहाँ से आए, कहाँ से आए भाई ये? अच्छा पीछे से, अभी पीछे क्या सुनसान सा आई है। एंड सिनेमैटिक्स जो होंगे हमें इंस्टाग्राम प्लस हमें यूट्यूब के लिए लेने हैं, इंस्टाग्राम के लिए ऐसे बनेंगे वर्टिकल में, एंड यूट्यूब के लिए हमारे हॉरिजॉन्टल वाइज बनेंगे बढ़िया से। सिनेमैटिक का भी ना मेरे को रेटिंग दे देना कमेंट सेक्शन में कि जतिन ने सिनेमैटिक कैसे बनाए हैं, आउट ऑफ 10 बताना कि कैसे लगे आप लोगों को। हल्का सा ना बर्नआउट मारने वाला हूँ ताकि एक बढ़िया वीडियो आ जाए। पहले बर्नआउट के लिए हमें ना मोटरसाइकिल का ABS जो है सुपर मोटो पर डालना है, एंड देन ब्रेक आगे वाली दबा के रखनी है। जो बचा कुछ अभी लिया है कुछ टाइम पहले ये भी ख़त्म हो जाना है भाई टायर। तो कैसे हम सोच रहे हैं कुछ व्हीली वाले शॉट्स ले लें, तो उसके लिए जतिन भाई थोड़ा सिनेमैटिक्स लेंगे, चले। भाई जेब खुला रह गया, इसमें फ़ोन था मेरा।
आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अब अगली वीडियो जो होंगी बहुत ही तगड़ी आने वाली है, मतलब नेक्स्ट लेवल सुपर बाइक राइड होने वाली है एंड मॉडिफिकेशन भी साथ साथ आते रहेंगे। मुझे ना कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को कैसी वीडियोज़ चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना आप लोगों को किस और टाइप की वीडियोस पसंद है।